पॉपुलर सिंगर जिनके गाने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी खूब धूम मचा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ की। हाल ही में दिलजीत का म्यूजिक कंसर्ट दिल्ली में हुआ था और अब वो राजस्थान के जयपुर में होने जा रहा है, लेकिन इस कंसर्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के इस म्यूजिक टूर की। दिलजीत ने लंदन में धमाकेदार कंसर्ट के बाद दिल्ली में भी अपना जादू बिखेरा, जहां हजारों की संख्या में उनके फैंस ने शिरकत की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कॉन्सर्ट में दर्शकों ने खूब मस्ती की और दिलजीत के गानों का आनंद उठाया। लेकिन दिल्ली में हुए इस कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम की हालत देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई। कचरा, टूटे सामान, शराब की बोतलें, सबकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। लोग इस बात से नाखुश थे कि कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम को इतनी गंदगी में क्यों छोड़ दिया गया। अब इस विवाद की बात राजस्थान तक पहुंच गई है। दरअसल जयपुर के JECC ग्राउंड में 3 नवंबर को दिलजीत का कॉन्सर्ट होना है, लेकिन बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इसका कड़ा विरोध किया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए सही नहीं है और ये सनातन धर्म के खिलाफ है। बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि ऐसे शो से समाज को कोई लाभ नहीं होता। उनका मानना है कि अब सनातनी हमारे लिए भजन सत्संग का महत्व है, जो जीवन में सकारात्मकता और अच्छे विचारों को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि हमें भगवान राम, कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि इस तरह के कार्यक्रमों से। विधायक जी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दिलजीत के फैंस इसे मनोरंजन और व्यक्तिगत पसंद का मामला बता रहे हैं। अब देखना यह है कि जयपुर में होने वाले इस कॉन्सर्ट पर क्या असर पड़ता है। प्रशासन ने भी अब इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया है कि इस बार कॉन्सर्ट के दौरान और बाद में साफ सफाई और व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसे हमने दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट और उस पर बचे विवाद की चर्चा की है। आप इस पर क्या राय है? क्या इस तरह के म्यूजिक इवेंट्स पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर लोगों की निजी पसंद का मामला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।